हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिकल टूल्स लेके आए हैं। मैं ये नहीं कह सकता ये क्लास 11th में है या ये नहीं कह सकता ये क्लास 12th में। देखो, काम में तो हर क्लास में आना है। जिसको ये नहीं आता है उसको फिजिक्स में इतनी दिक्कत आएगी कि वो सब्जेक्ट छोड़ देता है, ठीक है ना। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा दूर करेंगे। जो भी मैं बताऊंगा या फिर मोस्टली सूत्र होंगे, फॉर्मूले होंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले तो मैं अवकलन के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये अवकलन जो होता है ये एक संकारक है। क्या होता है संकारक? संकारक मतलब ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब जिस प्रकार से आपने प्लस और माइनस देखा था, प्लस देखा था माइनस देखा था, ये भी ऑपरेटर होते हैं। आपने मल्टीप्लीकेशन देखा था, ये भी एक ऑपरेटर ही था। आपने डिविजन देखा था, ये भी एक ऑपरेटर ही है, ठीक है ना। तो ये डिफ्रेंशिएशन भी एक ऑपरेटर ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। किसी एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंजेस आता है उसका, उसको अपन डिफरेंशिएशन कहते हैं। समझो एक बार कि जैसे मान लो कि आप हो, आपके आपका भाई है, दो भाई है आप लोग, या कोई भी दो पर्सन है, दो भाई है, और एक भाई के मान लो चोट लगती है तो दर्द दूसरे भाई को होता है, समझना। हालांकि उसके कोई वैसे दर्द नहीं होता, लेकिन एक उसको अच्छा फील नहीं होता। या ऐसा मान लो कि एक भाई को कोई मार रहा हो, कोई बाहर का व्यक्ति, तो दूसरे भाई के तकलीफ होती है, जबकि मार दूसरे भाई को पड़ रही है, उसके खुद के लिए पड़ रही। तो ये जो उसके सापेक्ष जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का अध्ययन ही क्या है, अवकलन है। एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वो नोट करना अवकलन कहलाता है। अवकलन की शुरुआत माइनस से होती है। किससे होती है? माइनस से, क्योंकि मैंने अभी भी कहा चेंज, परिवर्तन, परिवर्तन का अध्ययन है। तो परिवर्तन कैसे होता है? जैसे आप मान लो कि आज कोई चीज एक है और परसों वो तीन हो जाती है। कोई चीज एक है और वो क्या हो जाती है? तीन हो जाती है। तो उसमें परिवर्तन कितने का आया? तीन माइनस एक इजिकल टू दो का परिवर्तन आया। तो आपने क्या किया? आपने माइनस किया। तो यही मैं कह रहा था कि अवकलन की शुरुआत कहां से होती है? माइनस, चेंज से होती है। मेरी बात समझ में आ गई? उस चेंज को नोट करना ही क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है, ठीक है। अवकलन का मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अभी मैं कह रहा था कि अवकलन एक संकारक है, ठीक है ना। इसका ऐसे नोटेशन अगर मैं बताऊं, एक प्रेजेंट करने का एक तरीका बताऊं, जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ वाई, वाई का आपको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। ध्यान से सुन लो, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, जो 10th पास कर चुके हैं उन बच्चों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिसने 11th में ढंग से नहीं पढ़ी उसके लिए 12th में बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जिसने 11th 12th दोनों में ढंग से नहीं पढ़ी और वो गलती से 12th पास हो गया है, तो ये नीट में बड़ा इंपॉर्टेंट। या आप कहीं भी मैथमेटिक्स वाले, तो चलो मैथ्स में पढ़ लेते हैं, इसको अलग से पढ़ लेते हैं, इसलिए उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 11th क्लास में तो उन मैथ्स वाले बच्चों की भी दिक्कत बनी रहती है। तो आप समझे इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूं, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन को रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से। अब आप कह रहे हो कि सर हम डी से डी को काट देते, ऐसा नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये डी बाई डी एक्स जो है ना, ये एक तरीके से यही है संकारक। जो भी चीज यहां लिखी जाएगी उसका आपको अवकलन करना है किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष करना होगा, ठीक है। तो आप इस डी से डी को नहीं काट सकते। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि सर ये डिविजन है। अरे बात का चीन ऐसे ही होता है, तो बिंदी से बिंदी अगर काट देंगे तो माइनस बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहां पे डी से डी को भी नहीं काटना है आपको, समझ रहे हो ना। ये डी इसके साथ की एक राशि है, ठीक है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि अवकलन क्या होता है, क्या चीज नोट करता है वो बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि अवकलन को किस तरीके से लिखा जाता है। तीसरी बात मैंने बताया कि अवकलन एक संकारक है। जैसे आपने ये पढ़ाया उसी प्रकार से एक नई चीज आपके सामने आ गई, डी बाई डी एक्स। इसी प्रकार से एक आगे और आएगा समाकलन, जिसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कर लोगे? बहुत अच्छी बात। अवकलन का पहला सूत्र आता है कि भाई कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट समझते हो क्या? नियत राशि, उसका किसी भी राशि के सापेक्ष अगर अवकलन किया जाए। मैं अभी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, कांस्टेंट का एक्स के सापेक्ष अवकलन अगर मैं करता हूं तो इसका आंसर आता है जीरो। देखो एक बात समझो, जैसे मान लो ये एक है, मैं आज यहां एक लिख के गया, तीन दिन बाद आता हूं, यहां पे कितना बन जाएगा? तीन बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। ये कितना बना रहेगा? एक ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नियत है, ये ना तो समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा, किसी भी चीज के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रहा, तो ये कांस्टेंट रहा, तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो इसका परिवर्तन क्या हुआ? जीरो। तो इसीलिए तो इसका कांस्टेंट अवकलन मैंने क्या कहा? जीरो। समझ रहे हो क्या? ठीक है। तो
तो पहला सूत्र आपके सामने क्या आया, नियत राशि का अवकलन जीरो होता है, ठीक है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं ये कह दूं कि 85% आपके अवकलन की प्रॉब्लम जो है वो ये फॉर्मूला सॉल्व कर देगा, 80-85% आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी फिजिक्स के संदर्भ में। देखो मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो अवकलन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, मैं पूरा अवकलन नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरी अवकलन की एक किताब है मैथमेटिक्स में, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अगर मैं बताऊंगा तो फिजिक्स कब पढ़ाऊंगा, मेरी बात समझ रहे होगा। मैं यहाँ पर आपको इतना अवकलन सिखा दूंगा कि फिजिक्स में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो समझो दूसरी बात, दूसरा फॉर्मूला मैंने कहा ऐसा फॉर्मूला है जो कि 80-85% अवकलन की प्रॉब्लम को दूर कर देगा, उसमें यह फॉर्मूला भी शामिल ही है, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, याद रखना एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, कितना होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे उदाहरण अपन देखते हैं, उदाहरण अगर देखिए, मैंने कहा मान लो आपसे कोई पूछे एक्स की पावर सात का अवकलन बताओ, तो क्या करोगे भैया, सात को उठा के लिया होगे पहले, एन की जगह क्या लिखोगे भैया, एन की जगह क्या है सात है, तो सात एक्स की पावर सात माइनस एक, समझ रहे हो कितना हो जाएगा सात एक्स की पावर छ, कोई दिक्कत। इसी प्रकार मान लो आपसे किसी ने पूछा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर तीन का अवकलन बताओ, तो आप क्या कहोगे, मैंने कहा तीन को पहले निकाल लो और तीन में से एक घटा दो, ये लो कितना हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे सही बात है क्या, मान लो आपसे एक्स की पावर फोर का अवकलन किसी ने पूछ लिया, तो अब तो जरा जल्दी से बता दो, फोर एक्स की पावर फोर माइनस वन यानी फोर एक्स की पावर थ्री, बोलो हाँ। किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ डी बाई टू एक्स स्क्वायर का अवकलन बताओ, क्या पूछ लिया टू एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे, टू को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा, मैंने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, एक्स का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या बन जाएगा टू, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर यानी कि टू तो बाहर आ गया, और एक्स की पावर टू माइनस वन, अरे एक्स की पावर एन, ये तो किया है मैंने एन एक्स की पावर एन माइनस वन, कितना हो जाएगा टू टू जा फोर एक्स की पावर वन, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, वेरी गुड। तो ये अपने पास क्या है, ये पहला फॉर्मूला बता दिया, एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और कर लेते क्या करें, मैंने कहा डी बाई डी एक्स, किसी ने आपसे पूछ लिया बताओ एक्स का अवकलन क्या होगा, आप कहोगे डी से डी काट दो एक्स एक्स, भैया ऐसे नहीं करना है, आंसर इसका एक ही आएगा, लेकिन इसे वो काटना क्यों नहीं, क्योंकि देख लेते हैं जिसके ऊपर कुछ नहीं यानी कि वन है, तो अब इसका अवकलन क्या करेंगे वन एक्स की पावर वन माइनस वन या एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो वन एक्स की पावर जीरो कितना बन जाएगा, किसी की भी घात जीरो होती है तो उसका मान एक होता है, तो यानी कि वन इंटू वन बराबर वन, अरे हाँ कि ना, तो यानी कि एक्स की पावर वन का अवकलन क्या होता है वन। चलो आओ एक और करते हैं डी बाई डी एक्स, कोई पूछते बताओ 2x का अवकलन क्या होता है, अरे 2x का अवकलन क्या होता है, तो मैंने कहा बहुत ही सिंपल होता है 2 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया, तो अंदर बचा ओनली x, x की पावर 1, x की पावर 1 का अवकलन होता है 1, तो यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 नहीं 2 1 जा 2, बोलो हाँ बहुत अच्छी बात है। चलो एक और करते हैं डी बाई डी एक्स, 3x का क्या हो जाएगा, अरे भैया 3 हो जाएगा, अरे भैया वो x का किया तो 1, 2x का किया तो 2, 3x का किया तो 3, 4x का करते तो 4, 5x का करे तो 5, अरे हाँ कि ना, याद रख लेना इस बात को, कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी बात है, आपको ये अवकलन का सूत्र अब तक याद हो गया होगा। एक दो फॉर्मूले और याद करेंगे, तीसरा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, मैंने कहा साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, मैंने कहा कॉस एक्स होता है, याद रख लोगे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है। इसी के अंदर एक काम और करते हैं डी बाई डी एक्स, साइन ए एक्स, ए कोई कॉन्स्टेंट है, साइन ए एक्स
एक्स तो वेरिएबल है लेकिन ए क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस पूरे को मन ही मन में एक्स मान लो, क्या बन जाएगा? मैंने कहा कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या है, मैंने कहा ई एक्स, और सही क्या? अब जो है ये उसका अवकलन कर दो, ए एक्स का क्या अवकलन होगा, मैंने कहा ए, अरे अभी तो बताया था एक्स का वन, टू एक्स का टू, थ्री एक्स का थ्री, फोर एक्स का फोर, ए एक्स का ए। तो जो भी आए अवकलन में वो इसके मल्टीप्लाई में लगा दो, किसमें, अवकलन में, मल्टीप्लाई में लगा दोगे तो आंसर आएगा ए कॉस ई एक्स, कोई दिक्कत। चौथे के बाद में आता है पांचवा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है बस इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में कर रहा हूं, ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये तीनों एक ही फॉर्मूले हैं, है ना। ये साइन क्या, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी कॉन्स्टेंट, जहां ए और बी नियत है। तो मैंने, मैं कहा वही काम करेंगे, इसको पूरे को एक्स मान लो, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक्स ही क्या लिखूं, ए एक्स प्लस बी, लेकिन ये x तो नहीं है ना, ax plus b है, तो इसका अवकलन फिर करो, जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो ax का क्या आएगा, a, और b का, मैंने कहा जीरो, क्योंकि b क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो, तो ax का तो a, लेकिन b का जीरो, तो जो भी आएगा उसके मल्टीप्लाई लगा दे। अरे हाँ कि ना, समझ रहे हो, अरे इसका अवकलन किया तो ax plus b का, ax का a, b का जीरो, जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई लगा देंगे, हो जाएगा अवकलन, सिंपल। तो ये पांच फॉर्मूले एक तरीके से हो गए, चलो और दो चार फॉर्मूले अपन और लिख देते। पांच के बाद आता है छह, डी बाय डी एक्स, और अब मैं करता हूं कॉस एक्स का फॉर्मूला, कॉस एक्स, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस, ये सी फंक्शन जो होते हैं ना, जिसके जिसके अंदर सी लगा होता है, ये बदमाश होते हैं, तो जब भी अवकलन में सी वाले फलन आए तो उसके आंसर में हमेशा माइनस आएगा, पहले याद रख लेना। कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, ओहो शहीद हो गया, क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स, याद रख लोगे क्या, बहुत अच्छे बच्चे हो। छह के बाद आता है सात, अरे छह के बाद क्या आता है, मैंने कहा सात, और ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, चलो एक्स ही कर देते, तो कॉस ए एक्स का मान लो कि ये एक्स है, जैसे इसमें माना था, ये एक्स को क्या मान लिया, ए एक्स मान लिया, एक्स को क्या मान लिया, ए मान लिया, वो हो, अरे ए एक्स को एक्स मान लिया, तो ऐसी कंडीशन में इसका अवकलन हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, मैंने कहा माइनस का साइन एक्स, एक्स ही क्या है, एक्स लिख दिया। अब मैंने कहा एक्स का अवकलन करो क्या आएगा, मैंने कहा ए आएगा, जो भी आए उसको मल्टीप्लाई में लगा दो, बोलो हाँ कर लोगे क्या, बहुत अच्छी बात। तो सात के बाद आता है आठ, आठ में मैंने कहा डी बाई डी एक्स, और यहां लिख दिया मान लो वही कॉस ए एक्स प्लस बी, ये कोई तीन फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूला एक ही है बस, जो करने का भी था वो मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा मान लो ये एक्स है, तो ये जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स ये क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब इसका मैंने कहा इसका अवकलन करो, तो ए एक्स का तो ए और बी का जीरो, तो जो भी आया उसको मल्टीप्लाई में लगा दो, बोलो हाँ समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस B का फॉर्मूला। ये जो अभी आठ फॉर्मूले बताए वास्तव में एक दो तीन और ये चार फॉर्मूले हुए, ठीक है, ये फॉर्मूले हुए चार, कितने हुए चार, नोट कर लो आप इनको, क्योंकि अब मैं और फॉर्मूले करवाने से पहले प्रॉपर्टी करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर फॉर्मूले करवाऊंगा, समझ गए। देखो अभी ये आठ फॉर्मूला आपको हर सूरत में अभी के अभी यार, चलो एक एक आधा फॉर्मूला और है यार, मैं वो करवा देता हूँ। आठ के बाद में एक नोवा फॉर्मूला लिख लो, डी बाय डी एक्स, मैंने कहा ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, मैंने कहा ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है, याद रखना। दस एक फॉर्मूला और लिख लो भैया, एक फॉर्मूला मैंने कहा लॉग एक्स, डी बाय डी एक्स, और लिख लो लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, वन अपॉन एक्स, log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x, ये वन, ये ज्यादातर केमिस्ट्री में काम आता है, वैसे फिजिक्स में भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, 10 फॉर्मूले में लिखा है ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा इसके ऊपर बेस्ड मान लो एक और मैं फॉर्मूला बना दूं, 11वां, क्या मैंने कहा डी बाई डी एक्स, कोई कह दे e की पावर ए एक्स का अवकलन क्या होगा, ए कॉन्स्टेंट है, तो मैंने कहा इसको एक्स मान लो, एक्स को क्या मान लो, एक्स, तो e की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा e की पावर एक्स, एक्स इज एक्स, अब x का अवकलन करो क्या आएगा, a, जो भी आए वो मल्टीप्लाई में लगा दो, ये अवकलन हो गया, कर लोगे क्या भैया, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है क्या? नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लिया तो मैं मिटा रहा हूं इसको। 11 फॉर्मूले तो हैं। अब इसके बाद में प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी अपन वो लिखते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर वो नहीं आती है तो हमारे समस्या है। पहली प्रॉपर्टी क्या भाई, दो फलन है या तीन फलन है, कितने भी लेते, मान लो तीन फलन है, एक का नाम है यू, एक का नाम है वी और एक का नाम है डब्ल्यू। वो अगर आपको प्लस, चलो दो ही ले लो, तीन का क्या, दो ही ले लो, तीन ले लो, कोई एक ही बात है, कोई खास बात फर्क नहीं है। अगर इनको अवकलन करना है तो अवकलन करने से पहले आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, किस प्रकार, मैंने कहा डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी, समझे क्या रे? इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, कोई आई भाई बात नहीं है, सिंपल ही बात है। अब कोई कहे कि नहीं साहब इनके बीच में प्लस नहीं है माइनस है, मान लो इनके बीच में, तो कोई बात नहीं, इनके बीच में प्लस नहीं है माइनस कर देंगे, समझ में आएगी, दो प्रॉपर्टी हो गई एक ही अंदर एक, समझ गए, बहुत अच्छी बात। एक क्वेश्चन कर लो इस प्रॉपर्टी में बेस, मैंने कहा, मैंने क्या कहा भाई, एक प्रॉपर्टी कर ही लेते हैं हम, एक प्रॉपर्टी कर लेते हैं भैया, जैसे मान लो आपको कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स की पावर 7, इसका अवकलन करो, खतरनाक लग रहा है क्या, देखो रे बहुत खतरनाक है, आओ, मैंने कहा डी बाई डी एक्स, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को इसके साथ लिख देंगे, फिर डी बाई डी एक्स टू एक्स की पावर 7 लिख देंगे, बोलो हाँ, अगर बीच में माइनस होता, बीच में माइनस होता, पहली प्रॉपर्टी में जीत रहा है। आओ अवकलन करें, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन का क्या सूत्र होता है, अभी भी बताया था मैंने, अरे बताया था क्या, याद आ रहा है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, बोलो हाँ, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस, अब मैंने क्या 2 को बाहर निकाल लिया इसमें, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 7, समझ में आएगा, अभी तक तो किया नहीं इसका अवकलन, अवकलन करने के बाद डी बाई डी शॉर्ट जाएगा, तो इसका तो अवकलन हो चुका लेकिन इधर नहीं हुआ, आओ करते हैं, आओ करते हैं, कैसे करें, ढंग से करते हैं, येलो 2x की पावर 1, 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस 2 एज इट इज, x की पावर 7 का अवकलन, मैंने कहा 7 x की पावर 7 माइनस 1, बोलो हाँ, तो मैंने कहा ये तो गया 2x और प्लस 7 दूनी 14 x की पावर 6, ये आंसर है, कोई दिक्कत, सिंपल सा है ये, वैसे एक लाइन में होगा, अभी तो फिलहाल चलो शुरुआत है तो मैं प्रैक्टिस के वे में मैंने पूरा इसको खोल खोल के किया, वरना इसके बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो सीधा ये निकालोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप नहीं सभी निकालेंगे, ठीक है, 2x प्लस 14 एक्स की पावर 6 कर लोगे क्या, बहुत अच्छी बात है, ये पहली प्रॉपर्टी पे हो गया, नोट करना चाहो तो कर सकते हो, कर ही लेना भैया, ठीक है मिटा रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आ जाती है तो ऐसा मान लो हम 90% अवकलन कर लेते हैं, मतलब कि 85% वहां कर लिया था, 5% प्रॉब्लम इसी में वेज होती है, क्या रे, पहले के बाद में दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या, दो फलन है यू और वी, जो कि एक्स के फलन है, यू और वी, और मल्टीप्लाई, ये तो प्लस माइनस में, ये किस में है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका अवकलन करने से पहले ये प्रॉपर्टी लगाना, क्या, मैंने कहा पहला फलन एज इट इज, कौन है पहला फलन, मैंने कहा ये है, और ये कौन सा है, मैंने कहा दूसरा, तो पहला फलन तो एज इट इज और दूसरे फलन का अवकलन, फिर लगाओ प्लस, फिर दूसरा वैसा का वैसा ही लिख दो और पहले का अवकलन कर दो, बोलो हाँ, समझ गए क्या, मतलब इसमें क्या है, पहला फलन एज इट इज, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन। मान लो अवकलन को बोलते आग लगाना, मान लो, याद करने का तरीका है, कुछ नहीं बकवास है, क्या कहा मैंने कि मान लो अवकलन को बोल दे आग लगाना, तो देखो पहला फलन तो एज इट इज दूसरे के आग लगा दो, दूसरा एज इट इज पहले के आग लगा दो, बोलो हाँ कि ना, याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, सिर्फ याद करने का तरीका है, पहला फलन एज इट इज दूसरे के आग लगा दो प्लस दूसरा एज इट इज पहले के आग लगा दो, बस, आग लगाना मतलब अवकलन करना, आओ आग लगाते हैं तो अवकलन करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, चलो इस पे बेस क्वेश्चन करोगे क्या, कर लो, लो आप कह रहे हो तो कर लेते, मान लो आपको दे रखा है, क्या लिख रहे हैं,
x की पावर 3 और e की पावर x, ये आपको दो फलन, ये दो फलन हो गए, आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, आपको इसका अवकलन करना है, करते हैं। मैंने कहा पहला फलन ये रहा, दूसरा ये रहा, तो आप क्या कहोगे, सर पहला फलन तो ऐसा कैसा लिख दो, और सर दूसरे के आग लगा दो, ये लगा दी, प्लस दूसरा ऐसा कैसा लिख दो, और फिर पहले की आग लगा दो। अरे आग लगाने में मजा आता है क्या? अरे नहीं, आग लगाने में क्या मजा आता है, समझ में मजा आता है नहीं? तो पहला एज इट इज दूसरे के आग लगा दो, प्लस दूसरा एज इट इज पहले की आग लगा दी, ठीक है। आओ आओ, पहला फलन तो एज इट इज, आओ दूसरे की आग लगाए, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, मेरा e की पावर x ही होता है, लिख दिया। प्लस दूसरा एज इट इज पहले की आग लगाते हैं, x की पावर 3 का अवकलन, मेरे का 3, ये ब्रैकेट लगा देना भैया, ऐसा अच्छा लगता है, अच्छा क्या लगता है, मतलब सही करते हो कई बार गड़बड़ हो जाएगी, 3x की पावर 3 माइनस 1, सही है, कितना हो जाएगा आंसर, x की पावर 3 e की पावर x, अब इसको मैं पहले लिखूंगा, प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x, ये इसका आंसर है, समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड, ये दूसरी प्रॉपर्टी बेस्ट क्वेश्चन अपन ने कर दिया। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो फलन है भैया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, तो अब बच गया क्या, भाग, u अपॉन v, ठीक है। आओ करते हैं, मैंने कहा नीचे वाले, अब यहां पे है u अपॉन v, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, तो नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले के आग लगा दी, माइनस, देखो भाग है तो माइनस आएगा, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले के आग लगा दी, नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने क्या कहा, देखो यू और बी है, ये तो ऊपर वाला फलन है, ये नीचे वाला फलन है, इसका देखो क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले फलन का स्क्वायर है ना, फिर नीचे वाले का एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन, ठीक है। याद करने का तरीका, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का आग लगा दी, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का आग लगा दी, बोलो हाँ ठीक, कर दोगे क्या, सिंपल है। फिर अगर इस पे बेस्ट क्वेश्चन करना है तो आओ करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ट, क्या भाई देखो, डी बाई डी एक्स, आओ करते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। इसका अगर मैं अवकलन करूं तो देखो भैया, इस पर बेस्ट है ना, तो सबसे पहले नीचे वाला कौन है, cos x, ऊपर वाला कौन है, sin x, आओ क्या रे, क्या अवकलन कैसे, मैंने कहा नीचे वाले के स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर या cos स्क्वायर x, एक ही बात है, अरे cos x का होल स्क्वायर और cos, ये 10 से 11 में आने वाले बच्चों समझो रे, cos x का होल स्क्वायर, कई बच्चे ऐसे करते cos स्क्वायर x स्क्वायर, ये गलत हो गया, ये cos x एक ही राशि है, दो राशि नहीं है जो आप अलग अलग दो दो स्क्वायर कर रहे हो, एक ही राशि है, तो इसको आप या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, समझ रहे हो क्या, x का स्क्वायर नहीं होगा, समझ रहे हो, ऐसे ये ध्यान रखना भैया, 10 से 11 में आने वाले बच्चों, नीचे वाले का तो स्क्वायर कर दिया भाई, मैंने कहा नीचे वाले का स्क्वायर, फिर कहा नीचे वाला एज इट इज, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, नीचे वाला एज इट इज येलो, नीचे वाला cos x एज इट इज है, ऊपर वाले के आग लगा दो येलो, डी बाई डी एक्स, सर हम आग लगाना सीख गए, येलो बहुत अच्छी बात है, माइनस अब ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले के आग लगा दो, कौन है नीचे वाला, cos x, बोलो आया कि नहीं आया, अरे आया, बहुत अच्छी बात है आया, ये मिटा रहा हूं क्या, आपको अवकलन याद होना चाहिए, sin x होता है cos x और cos x होता है माइनस sin x, याद होना चाहिए भैया, ये अवकलन अगर आपको याद नहीं होते फॉर्मूले तो भैया मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका, और मेरे पास नहीं, इस दुनिया में कोई भी हो उसके पास इलाज नहीं है, कहीं चले जाना किसी डॉक्टर के पास चले जाना, साहब एक अवकलन की गोली देना, अवकलन की गोली नहीं मिलेगी, पूरा कैप्सूल मिलेगा जो कि मैं अभी दे रहा हूँ, यही है वो कैप्सूल, ले लो इस कैप्सूल को, समझ जाओगे, लो आओ, कौन सा पैर भैया क्या बता रहा था, अच्छा इसका कर रहा था, तो देखो भाई cos x तो एज इट इज है, cos x तो एज इट इज है, sin x का अवकलन क्या होता है, मैंने कहा cos x, अरे sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, माइनस sin x एज इट इज, और cos x का अवकलन, मैंने कहा माइनस sin x, cos x का अवकलन, मैंने कहा माइनस sin x,
लो डिवाइडेड बाई कितना है, मैंने कहा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x क्या हुआ रे, ये तो बड़ा हो गया क्या, समझ लो रे, अब तो कर दिया, ये यहां तक फिजिक्स थी, चलो मान लो यहां तक फिजिक्स थी, अब तो गुणा भाग है, आओ करते हैं, cos x, मैंने कहा cos स्क्वायर x प्लस sin x माइनस sin x, प्लस नहीं ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अब sin x का क्या हो जाएगा, sin x into sin x यानी sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, अरे समझ में आया क्या, हाँ कि ना, अब ये क्या हो गया, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर यानी कि 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर x, समझ गए क्या, ये मैंने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर दिया और फॉर्मूला नंबर 12 भी लिख दिया, क्या है फॉर्मूला नंबर 12, ध्यान से देखो, d बाई डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं टेन एक्स, टेन एक्स का सूत्र आ गया है मेरे पास, याद रखना है डायरेक्ट, क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सूत्र क्या होता है अवकलन, टेन एक्स का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला नंबर 12 हो गया, 11 हमने पहले कर लिए, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है, एक क्वेश्चन तुम लोग करो, किसका करें, सर हमको साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को कर लिया, अब हमको निकालना है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या निकाले कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका तुम करके दिखाओ, जल्दी से करो, अरे कर दिया गया, कर दिया होगा, पॉज करके कर लेना रे बेटा, दोनों रो अब आओ इसका अवकलन करते हैं, मैंने कहा कैसे करते हैं, मैंने कहा ढंग से करते हैं, देखो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाला एज इट इज साइन एक्स, यही तो होगा, अरे यही होगा क्या, नीचे वाला, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाला कौन है, चलो कर देते रे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस लगा दो, फिर क्या लगा दो, क्या लगाओगे रे भाई, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन डी बाई डी एक्स और साइन एक्स, ऐसे तो लिखूंगा, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा देखना, साइन एक्स तो एज इट इज है, कॉस एक्स का अवकलन मैंने कहा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ये माइनस है कॉस एक्स, और डी बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, मैंने कहा कॉस एक्स, सही है क्या, डिवाइडेड बाई क्या है, मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, क्या करें, मैंने कहा माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ऊपर वाला हो गया वन, नीचे वाला एज इट इज, साइन स्क्वायर का उल्टा मैंने कहा माइनस का कॉस, साइन का क्या होता उल्टा कॉसेक स्क्वायर एक्स, अभी देखो फॉर्मूला नंबर 13 हमारे सामने है, क्या है डी बाई डी एक्स कॉस अपॉन साइन, मैंने कहा क्या होता है कॉट होता है, और कॉट जो है वो सी का फंक्शन है, अभी मैंने बताया था जितने भी सी के फलन होते हैं ना, सी के फंक्शन यानी कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन छह में से तीन फलन सी के होते हैं, उन तीनों में माइनस आएगा, तो यहां पर क्या आया, मैंने कहा माइनस क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला नंबर 13 हो गया, बोलो कोई दिक्कत है क्या, वैसे तो आपके अवकलन का जो दिक्कत है वो इसमें दूर हो जाएगी, कुछ और अपन एग्जाम्पल वगैरह लेके आएंगे, आज की समस्या अपन समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत।